हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मैं शोभित आज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग नए नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द नाउन जेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको सुनने के बाद आप भी बोलोगे यार ये तो फटाफट से लर्न हो गया, याद हो गया, राइट। तो हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द नाउन जेंडर, ठीक है। तो नाउन जेंडर क्या है इसके सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं लिंग, जेंडर मीन्स लिंग। तो लिंग के द्वारा संज्ञा के पुरुष या स्त्री या बेजान होने का बोध होता है, राइट। लिंग क्या है, जिससे हमको पता चलता है ये पर्सन पुरुष है या स्त्री है या बेजान है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर। तो ये जेंडर जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या है, राम तथा बॉय से पुरुष प्राणी का बोध होता है, राइट। हम यहाँ पे देखें राम, तो राम से क्या बोध हो रहा है कि ये एक पुरुष प्राणी है, राइट। और बॉय से भी हमको क्या पता चला है कि ये पुरुष प्राणी है। तो जेंडर से हमको क्या पता चलता है, लिंग के द्वारा संज्ञा के पुरुष का मा स्त्री या बेजान होने का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसके प्रकार, बात करते हैं द टाइप ऑफ जेंडर, जेंडर के प्रकार। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग को चार भागों में डिवाइड किया है, मतलब लिंग चार प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हम कहते हैं पुल्लिंग एंड पुरुष लिंग, राइट। फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग, राइट। कॉमन जेंडर, जिसको हम कहते हैं उभयलिंग, एंड न्यूट्रल जेंडर, जिसको कहते हैं नपुंसकलिंग, राइट। जो बेजान लोग होते हैं जिनमें जान नहीं पाई जाती वो किसके अंतर्गत आते हैं, नपुंसकलिंग के अंदर। और उभयलिंग वो होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों अंग जननांग पाए जाते हैं, उनको उभयलिंग कहते हैं। और फेमिनाइन और स्त्रीलिंग तो पुल्लिंग तो आप जानते होंगे, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि मास्कुलिन को फेमिनाइन में कैसे बनाते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं मैस्कुलिन को फेमिनाइन में। तो चलिए दोस्तों उसको आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तरीके, द वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन्स, राइट। तो फेमिनाइन मतलब पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के तीन तरीके हैं जिनके बारे में हम बहुत ही इजीली डिस्कस करने वाले हैं। उसका नंबर फर्स्ट तरीका जो है, बाई यूजिंग द इंटरनली डिफरेंट वर्ड, मतलब नए शब्द को यूज करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कोई वर्ड आ गया, एग्जांपल की तरफ से हम पढ़ते हैं, कोई वर्ड आ गया बॉय, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसके लिए नया वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि बॉय का क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग डिफरेंट वर्ड गर्ल, राइट। बॉय का गर्ल हो जाएगा। ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर, मतलब नया वर्ड यूज करेंगे, इसमें से कुछ भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, नए वर्ड का उपयोग करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर, बॉय ब्रदर का सिस्टर, राइट। उसके बाद कॉक का क्या हो जाएगा, कॉक मीन्स मुर्गा और हेन मीन्स मुर्गी, राइट। और हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ। और किंग का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, राइट, इसका फेमिनाइन क्या होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ, नियम नंबर दो। बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है, बाई एडिंग अ सिलेबली ई डबल एस, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में ई डबल एस जोड़कर उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना। जैसे कुछ एग्जांपल की तरफ से हम देख लेते हैं इसको भी, इनमें क्या करना है, जो भी वर्ड्स हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ दिया जाता है। देख लेते हैं इनको बना के, जैसे गॉड है तो उसको जब पुल्लिंग बनाएंगे तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनमें लास्ट में ई डबल एस जोड़ देंगे। गॉड क्या क्या हो जाएगा, गॉड है उसके लास्ट में ई डबल एस जोड़ देंगे, गॉडेस मतलब देवी, वो देवता इसका देवी हो जाएगा। ये लायन, लायन इसमें भी ई डबल एस जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, लायनेस मतलब शेरनी। ये हमारा है पियोट, पोएट का क्या हो जाएगा, डबल ई एस जोड़ देंगे, पोएट्स मतलब कवित्री हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पुजारी, इसमें भी ई डबल एस जोड़ देंगे, ई डबल एस, ये क्या हो गया, पृष्ठ मतलब पुजारी, राइट। तो समझ में आ गया इसमें करना क्या है। सेकंड नियम में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें क्या करना है, बाई एडिंग अ सिलेबली ई डबल एस, मतलब इसके लास्ट में ई डबल एस जोड़ना है। और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप कमेंट करना, मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिससे कि आप
सारे वर्ड्स को देख सकते हो राइट। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आके आप बताएं जो भी आपको चाहिए हो, जो भी पता करना हो राइट। तो बढ़ते हैं तीसरे नियम से, पहले हमारा एक नोट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। वो क्या है, दूसरे नियम का ही नोट पॉइंट है। उसमें क्या बताया गया है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंतिम अक्षर को या किसी एक अक्षर को निकाल कर EES ऐड किया जाता है राइट। कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसके एक अक्षर को निकाल करके EES ऐड किया जाता है, वो कौन से है? मैंने लिख रखा है, जैसे आता है टाइगर, उसमें क्या करेंगे, इस ई को निकाल करके, इस वाले ई को निकाल करके EES ऐड कर देंगे राइट। और दूसरा है हंटर, इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले ई को निकाल करके EES ऐड कर देंगे। एक्टर में क्या करेंगे, इस वाले ओ को निकाल करके EES ऐड कर देंगे राइट। समझ में आ गया, चलो अब चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। दोस्तों देखते हैं हम तीसरा नियम एंड लास्ट नियम क्या है इसमें। तीसरा नियम में लिखा है बाय रिप्लेसिंग ए वर्ड बिफोर एंड आफ्टर, मतलब ये हम किसी आगे या पीछे के वर्ड को हटाकर उसमें नया वर्ड लगाते हैं, मतलब आगे या पीछे के वर्ड को चेंज करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पीकॉक, इसमें क्या करेंगे हम पी तो वही रखेंगे, कॉक की जगह पे क्या कर देंगे हेन, ये क्या हो जाएगा पीकॉक का पी हेन, मतलब इसमें पीछे के वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। सेकंड है ही गोट, इसमें क्या करेंगे इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहाँ पे ही की जगह पे सी और गोट वही रहेगा राइट, ही गोट का सी गोट राइट। तीसरा हमारा सन इन लॉ, इसको क्या करेंगे इसमें सन को रिप्लेस करेंगे, सन की जगह पे डॉटर कर देंगे, बाकी सेम वही रहेगा राइट। हमारा लास्ट वाशरमैन, वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वाशर तो वही रहेगा, मैन की जगह वोमैन हो जाएगा राइट, वाशर वोमैन राइट। दोस्तों समझ में आया, ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे पता है कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।